सो हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम जानने वाले कि जो घर का टोटल लोड होता है वो किस तरह से निकाला जाता है और उस टोटल लोड के हिसाब से हमें कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना चाहिए, तो आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में यही मुझे बार बार कमेंट देखने को मिले थे बहुत सारे लोगों के, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चले गाइस, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, ज्यादा झंझट में नहीं डालूंगा, सीधा सीधा आपको बता देना वालों, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देना वालों आपको कि घर का टोटल लोड किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है? ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि घर का टोटल वोल्टेज निकालना है, ठीक है? तो गाइस, टोटल वोल्टेज कैसे निकालना है आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइस देखिएगा, मान लो एक रूम में कितने एलईडी बल्ब चलने वाले हैं, ठीक है? तो उनका वोल्टेज कितना आने वाला है, मान लो एक एलईडी बल्ब का वोल्टेज आ रहा है 7 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट, ठीक है? तो इस तरह से वोल्टेज आपको पकड़ना है, ठीक है? तो गाइस, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, देख लेना है कि घर में कौन कौन से इक्विपमेंट चल रहे हैं, ठीक है, या तो चलने वाले हैं। तो आपको देख लेना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट चलने वाले हैं या तो चल रहे हैं, ठीक है? तो गाइस, मान लो एक घर में फैन चल रहा है तो उसका वोल्टेज कितना है, ट्यूबलाइट चल रही है तो उसका वोल्टेज कितना है, एसी चल रहा है तो उसका वोल्टेज कितना आने वाला है, फ्रिज चल रहा है, किचन में फ्रिज चल रहा है, ओवन चल रहा है, हमारा गीजर चल रहा है, बाथरूम में गीजर चल रहा है तो उसका वोल्टेज कितना है, सब इन सारे इक्विपमेंट का टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, आपका घर का सारे टोटल इक्विपमेंट्स का, जो भी अप्लायसेंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायसेंस चल रहे हैं उनका टोटल वोल्टेज कितना है। तो मान लो मेरे घर का, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे, तो मान लो मेरे घर का 1500 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है? तो मेरे घर का 1500 वोल्टेज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 1500 वोल्टेज एक कैलकुलेटर पे लेना है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा या आपके पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर होगा, ठीक? मान लो मेरा 1500 वोल्टेज आ रहा है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा 1500 वोल्टेज भागा करना है, यानी कि डिवाइड करना है आपको आपके वोल्टेज से, मतलब आपके घर में कितना वोल्टेज होता है सिंगल फेज का, 240, 250, 220, बहुत सारे जगह पे अलग अलग वोल्टेज होगा, ठीक है? तो मेरे पास, मान लो मेरे पास 240 वोल्ट है, मेरे घर पे 240 वोल्ट आ रहा है, तो मैं 1500 वोल्टेज को डिवाइड करूंगा, यानी कि भागा करूंगा 240 वोल्ट से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 6.25 एम्पियर। तो ये जो 6.25 जो 25 जो आएगा, ये मेरा एम्पियर होगा। तो मैं कितने एम्पियर का एमसीबी लगाऊंगा, 6.25 एम्पियर का एमसीबी। तो गाइस, आपको इस बात को ध्यान रखना है, जो भी आपका आंसर आएगा, मान लो मेरा 6.25 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो मैं 6 एम्पियर का ही एमसीबी नहीं लगाऊंगा, मैं 10 एम्पियर का एमसीबी लगाऊंगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है आपको, जो भी आपका घर का टोटल लोड आता है, अगर आपका 5 एम्पियर आता है तो आपको 2-4 एम्पियर बढ़ा के एमसीबी लगाना है। तो गाइस, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, 2-4 एम्पियर ज्यादा क्यों बता रहा हूँ कि देखिए गाइस, क्या होता है, हमारा लोड जो होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है? मान लो हमारे फ्यूचर में हमने जहाँ भी काम किया है या हमारे घर में फ्यूचर में एक्सटर्नल लोड आएगा कोई ना कोई, ठीक है? तो क्या होता है, एक्सटर्नल लोड आने की वजह से फिक्स एम्पियर का एमसीबी लगाने की वजह से बार बार ट्रिपिंग कंडीशन आने लगती है, ठीक है? तो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि बार बार एमसीबी ट्रिप हो जा रहा है, तो वही इसका कारण है कि फिक्स एम्पियर का हम एमसीबी लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमेशा 1-2 एम्पियर बढ़ा के ही एमसीबी लगाना है। तो मेरा 6 एम्पियर आ रहा है, मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1500 वोल्टेज का, मेरा 1500 वोल्टेज का 6 एम्पियर आ रहा है, ठीक है? तो मैं 6 एम्पियर का एमसीबी नहीं लगाऊंगा, 10 एम्पियर का एमसीबी लगाऊंगा, ताकि मुझे भविष्य में, मुझे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने